पिछले अगर एक हफ्ते से देखें तो ऋषभ पंत अपने क्रिकेटिंग स्किल के लिए नहीं बल्कि विवादों की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, ज्यादा विवादों में उलझते नजर आ रहे ऋषभ पंत। और उर्वशी के साथ जो विवाद हुआ, जिस तरीके से उर्वशी ने इंटरव्यू में बार बार आरपी का नाम लिया, उसके बाद से ये जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। ऋषभ पंत ने भी अपने स्टाइल में आंसर दिया है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने एक बात कही थी कि ऋषभ पंत को कम से कम अपने इन विवादों से अलग रहने की जरूरत है, क्योंकि एशिया कप आना है, उसके बाद वर्ल्ड कप आना है, बड़े खिलाड़ी हमारे लिए ऋषभ पंत हैं। और एग्जैक्टली ऋषभ पंत ने वही काम कर दिया है। अब उर्वशी को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्होंने शांति बनाने की रिक्वेस्ट कर दी है। और ऋषभ पंत ने अभी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं अब उन्हीं चीजों के बारे में चिंता करता हूं जो मेरे कंट्रोल में है, यानी कि अब उर्वशी आरपी बोले या ऋषभ बोल दे, उनसे अब ऋषभ पंत को शायद फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि उनके कंट्रोल में हो, यानी कि अब सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो उनके कंट्रोल में है नहीं, लेकिन उनके कंट्रोल में जो है उसी के बारे में ऋषभ पंत सोचेंगे। और यही बात हम भी स्पोर्ट्स टॉक पर बार बार कह रहे थे कि बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, अब एशिया कप भी है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है, वर्ल्ड कप है, और उससे पहले जब भी इस तरीके का कोई विवाद आता है खिलाड़ी अपना 100% नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है। और उर्वशी से भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि आई डोंट नो कौन आरपी है कौन ऋषभ है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ऋषभ पंत एंड उर्वशी के बीच में इनडायरेक्टली मैसेजेस शेयर हुए हैं, आप देखें इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे दोनों ने जिस तरीके से वीडियोस अपलोड किए हैं, इंटरव्यू का वीडियो आया, उसके बाद आप देखें ऋषभ पंत ने जिस तरीके से जवाब दिया कि बहन ना कितना झूठ बोलोगी, इन सभी कंट्रोवर्सी पर कहीं ना कहीं अब ऋषभ पंत लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि उन्हीं चीजों का आप चिंता करें जो कि आपके कंट्रोल में हो, यानी कि अब वो इस विवाद से दूर हटना चाहते हैं और पूरा कंसंट्रेशन जो है वो क्रिकेट पर लगाना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं, पूरा मुल्क भी यही चाहता है कि भाई आपके ऋषभ पंत इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो सिर्फ कंसंट्रेशन अपने क्रिकेट पर लगाएं, क्योंकि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है, देन आपको मुकाबला खेलना है वर्ल्ड कप में, और ऐसे में अगर टीम इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करती है, ऋषभ पंत अच्छा करते हैं, तो फॉर श्योर हम बड़े टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।